वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिकाचरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बृन्दाबनं मनोहर वाञ्छाकल्पतरुवश्य कृपासिन्धुभ्यो च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचा लङ्पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृन्दावै तुलसीदेवै पियावै केशवस्वज कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्वत्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरिं संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्त भक्तिप्रमदाक्ष जगोद्भरण्यं धैयं सदा परिभवन्नमभीष्टदोहं तेतास्पदं शिवभिरञ्जनतं शरण्यं भीतातिहं प्रणतपालभवद्विभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गभवधू स्वदर्श पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा किवां पुरुष। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अजानुलंबित भुजौ कनकाबुदातौ संकीर्तनैकवितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासिनित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषिः त्वमामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानुषिपुरपति भजविशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यश्व च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संविहित तं निशिङ्गमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे
ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे। ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनम्। गौड़ीय गोष्ठीपति सिसिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए, ये कपट मय जो जगत संसार है, ये जो कपटमय जो जगत संसार है, इसमें कपट भाव का ही आदर है, निष्कपट भाव का कोई आदर नहीं है। गौड़ीय गोष्ठीपति सिसिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल जगत गुरु जी ने बताएं, ये कपटमय ये संसार में, जड़ संसार में, यहाँ कपट भाव का ही जयकार है, निष्कपट भाव का कोई पूछ नहीं है। जो सब साधु बद्ध जीवों को उल्टा रास्ता नहीं दिखाता है, सही मार्ग पे चलने का राह दिखाता है, रास्ता दिखाता है, ये लोगों का कोई पूछ नहीं है, आदर नहीं है। अगर जीवों को उल्टा रास्ता दिखा दो, जीवों का साथ जितना सारे लोग हैं उसका साथ चीटिंग बाजी करो, मीठा मीठा बातें करो, तो ठीक है, उसका ही आदर है। प्रभुपाद कह रहे हैं जब पक्का साधु का, निष्कपट साधु का कोई इज्जत नहीं आजकल के जमाने में। प्रभुपाद कहते हैं हरि कथा हरि कीर्तन का बहाना लेकर, हरि कथा का हरि कथा हरि कीर्तन का नाम पे वर्तमान युग में जो साधु वेशधारी आदमी हैं, असमाम जीवा को जीवों को उल्टा रास्ता दिखाता है, ये लोगों का सामने ये लोगों का पास वंचित होना ही, ये लोगों का पास वंचित होना ही आजकल का जमाने का एक फैशन हो गया, जुगो धर्म। इट हैज बिकम अ डिवाइन डिस्पेंशन, वी लाइक टू बी चीटेड बाय ऑल चीटर्स इन द नेम ऑफ सत्संगा। ये लोगों का सामने वंचित होना, चीटेड होना, यही जुगो धर्म हो गया। जो लोग पक्का साधु हैं तमाम जगत के लिए रोते रहते हैं, उल्टा रास्ता पे जा रहा है, हाँ क्या करे, ये तो मानेंगे नहीं। वास्तव साधु का कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ इतना चाहता है ये बद्ध जीवों को मुक्त अवस्था में लेकर भगवत सेवा में लगा देना। इतना बड़ा परोपकार, इतना बड़ा परोपकार, वो सोच का बाहर, आदमी सोच नहीं सकते। विशुद्ध गुरु वैष्णव चाहते हैं कि सारे बद्ध जीव धीरे धीरे हरि भजन करें और भगवान का सेवा में लगे। इसीलिए शरदेन्दु राय बोल के एक आदमी, बड़ा प्रोफेसर है, बड़ा आदमी, इन्होंने पूछा प्रभुपाद जी आपने तो इतना जल्दी जल्दी 50 का ऊपर मठ बना लिया, इतना मठ बना लिया इतना जल्दी जल्दी। प्रभुपाद जी ने उत्तर किए 50 मठ तो छोटा मोट, 50 मठ क्या बात है, आप 50 मठ का बात कर रहे हो, मैं चाहता हूँ कि हर बद्ध जीवों के हृदय में गौड़ीय मठ स्थापन कर दूँ। प्रभुपाद कहते हैं कि आप तो 50 मठ का बात उठा रहे हो, आप तो सिर्फ 50 मठ का बात ही उठा रहे हो, मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं चाहता हूँ कि दुनिया का जितना सारे जीव है सब कोई के हृदय में गौड़ीय मठ का झंडा ये स्थापित हो जाए, ये मेरा चाहत है। इतना सारे शिष्य हुआ कहते हो मैं चाहता हूं कि मोबाइल गौरी अमठ, एक आचरणशील साधु जहां भी पहुंचे, एक आचरणशील साधु जहां भी पहुंचे
ये तो गौड़ीय मठ की झंडा, ये गौड़ीय मठ ही है। एक सारस्वत गौड़ीय वैष्णव का जो पक्का साधु है, जिनको प्रभुपाद भक्तिविनोद ठाकुर का पूरा कृपा मिल गया, पक्का कृपा, वो जहाँ भी जाए वो गौड़ीय मठ का झंडा लहरा के रहेगा, ये पक्का बात है। प्रभुपाद कहते थे मैं चाहता हूँ कि मोबाइल गौड़ीय मठ, कितना शिष्य हुआ है क्या है, हमारा कोई शिष्य विष्य नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मोबाइल गौड़ीय मठ, मेरा एक एक गौड़ीय मठ का एक 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 भक्त जो है, साधु जो है, जहाँ भी पहुँचे वहाँ गौड़ीय मठ का झंडा लहरा के रखेगा, ये बात पक्का है। सिलो गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज कहते थे जो पक्का साधु है परमहंस गुरु वैष्णव, अपना कठोर वाणी के द्वारा दूसरे का हृदय का जो ग्रंथि है, बंधन है, उसको काटने पीटने का व्यवस्था करता है। और बाबा जी महाराज कह रहे हैं ये लोग इतना अकलमंदी है, इतना बुद्धि कम है, इतना मंद बुद्धि वाले हैं, जो ये इतना अच्छा साधु, खासा साधु जो जगत का मंगल चाहता है, इसी को ही शत्रु समझ के बैठ जाता है। श्रील गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज जो इतना मंगल कर रहा है कि मेरा अंदर का ग्रंथि है, मेरा अनर्थ है, उसको काट के फेंक के हमको विशुद्ध जगत में ले जाने का, नित्य सेवा में पहुंचा देने का, जो वैकुंठ जगत में पहुंचाने का जो प्रयत्न कर रहा है, और इसी को ही अपना दुश्मन समझ के बैठा है। गौरकिशोर बाबा जी महाराज कह रहे हैं जो अपना प्रवचन के द्वारा दूसरे का हृदय का ग्रंथि बंधन जो व्यासन है काटने का कोशिश कर रहे हैं, इसी को ही शत्रु समझ के बैठे, वो क्या करे। और कोई कोई आदमी तो ऐसा तक भी है, वो कहते हैं कि जगत में आज साधु फाधु कुछ नहीं है, बेकार, सब बेकार, ये तो मायावादी है। कभी कभी कोई कोई कहते हैं अरे जगत में अब ना ही नहीं है, अब ना है साधु फाधु कुछ ना है, बेकार, ये मायावादी है, ये कट्टोर मायावादी। इसका जो भावना है ये मायावादी का भावना है। भगवान जगन इसका कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब है जी जगन्नाथ जगत का जो नाथ है, इसका कोई क्षमता नहीं है, जगन्नाथ पावरलेस है, निर्गुण ब्रह्म है, निर्गुण बोल दें प्राकृत गुण रहित। और ये लोग कहते हैं निर्गुण ब्रह्म कोई गुण नहीं है, इंद्रिय नहीं है, हाथ पैर नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या करे। तो इसका बारे में बताया गया, मायावादी का ये विचार है जगत में, वो जगत में कुछ नहीं है साधु फाधु, क्यों, मेरे जगन्नाथ इतना निकम्मा है, परात्पर अखिलेश्वर जगत का नाथ जगन्नाथ इतना निकम्मा है, इतना दुर्बल है कि जगत में एक भी साधु, जगत में एक दो साधु रख के जगत का मंगल का व्यवस्था नहीं कर सकते, यही तो माने हुआ ना, और क्या माने, तो यही आए ना, ये तो माने बैठेगा ना, क्या माने बैठेगा कि जगन्नाथ निकम्मा है, जगन्नाथ का कोई पावर नहीं, कुछ नहीं है, ये जगत में दो चार साधु को जगत में भेजकर बद्ध जीवों का मंगल का व्यवस्था नहीं कर सकता, यही तो माने हुआ, और क्या हुआ, ये मायावादी है, इसका कहना तो छोड़ो। और जो बहाना बना रहे गुरु वैष्णव का ऊपर विश्वास नहीं है, मतलब मायावादी। इसलिए प्रभुपाद कहते थे ना जब हम लोग सारे जो जितना है हम लोग मोर और लेस वी आर ऑल मायावादी, कम या ज्यादा और कम वो मायावाद से कंटामिनेटेड है, क्योंकि गुरु वैष्णव में पूरा विश्वास नहीं है, चलो थोड़ा सुन ले क्या कहता है देखा जाए, ऐसा ही
अपना मंगल के लिए हरिकथा श्रवण करना, अपना जीवन जिंदगी में ये सब आचरण करके दिखाना, ये लोग का कोई ये सब कोई मकसद नहीं है कुछ ये लोग का। प्रभात कहते हैं हरि कथा हरि कीर्तन का नाम पे वर्तमान जमाने में जो आम आदमी को ठग रहा है, चीटिंग कर रहा है, इन लोगों का साथ वंचित होना ही वर्तमान युग में एक डिवाइन डिस्पेंशन युगोधर्म होके बैठा हुआ है। पहला बात तो ये साधु को पहचानना मुश्किल है। कैसे पहचानोगे साधु को? पहचानना मुश्किल है। और साधु का जो अप्राकृत बिहेवियर है, आचरण है, वो आप अपना दिमाग को लगाने जाओगे, यू कैन प्ले योर इंटेलिजेंस, मतलब देखे कैसा साधु है, तो उसी में हो गया धोखाबाजी। जब कोई निर्मत्सर साधु जगत के लिए रोता है, हाय हाय क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, हाय हाय ये तो मरेगा। अब जो चिल्ला चिल्ला के सिद्धांतों का बात बोले, ये फलाना ये सब बोले, सिद्धांतों का बात बोले, आप लोगों को भड़का रहा है, उल्टा रास्ता दिखा रहा है। अब वो चोर लोग जो बदमाश है, वो लोग भी चिल्लाना शुरू करे, चोर है चोर है चोर है। अब कौन किसको चोर ठहरे? ये कहानी पोपा जी ने बताया। बोले महाराज इतना कलिकाल में इतना हालत खराब है, एक चौकीदार उसको तनख्वाह मिलता है चौकीदारी करके, अब पुलिस वाले को भी चाहिए उपड़ी। अब मैं तनख्वाह तो ठीक है छो ये तो है ही है, बाकी भी चाहिए पैसा, सबको ही का पैसा का लालच है। और ये दारोगा क्या कर रहा है? दारोगा रात का टाइम में ये विचार बनाया, किसी घर का मिट्टी का दीवार है, और वो जानते हैं इसी घर में थोड़ा संपत्ति रहता है, वो घर को काट के धीरे 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 काट के एक सुरंग बनाया, एक होल बनाया, होल उनमें से थोड़ा अंदर चला गया। अंदर जाके और सब जितना सारे पैसा है जीवर है वो लेके ले लिया, और अचानक क्या किया, एक वहाँ बर्तन था गिर गया खट से, अरे क्या हुआ, वो तुरंत निकल आया और गृहस्थी जो है वो जग गया, जाके चिल्ला रहे चोर 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 चोर। और जो दरगाह है वो सोचा कि अब तो हम मारा जाएंगे, पकड़ा जाएंगे, अब क्या किया जाए, वो एक जगह में रख दिया फटाफट रख के, वो भी चिल्ला चोर 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 चोर, बाकी गांव का लोग दौड़ रहा है और चौकीदार दौड़ रहा है, वो भी दौड़ गया चोर चोर। और जो चौकीदार चोर है ये किसको मालूम नहीं, सारे दौड़ रहे, किसको पता है कि यही चोर है, कि चोर चिल्ला रहा है ये चोर है। प्रभा जी ने ये कहानी बता के बोल रहा है, जो सब दयालु साधु निष्किंचन एकदम करुणामय साधु है, वो चाहता है कि जगत का मंगल हो जाए, सारे जगत का मंगल कुशल हो जाए, हरि कथा श्रवण करे और सही रास्ता पे चले। और इसका तो कोई पूछ नहीं है जमाने में, वो अगर बोलने गया अब बाकी दुनिया चिल्लाना शुरू कर दिए, चोर है चोर है, बदमाश है बदमाश है, चोर बोले वही चोर। प्रभुपाद कह रहे हैं चोर उल्टा बता रहे, चोर है चोर है चोर है, अब कौन किसको पकड़े, ऐसा हालत पैदा हो गया। प्रभुपाद कह रहे हैं जो लोग चीटिंगबाजी कर रहे हैं, चालाकी कर रहे हैं, दुनिया का माल है राम नाम जपना और पराया माल अपना, जो इसी धंधा में लगा हुआ है, प्रभुपाद कह रहे हैं ये लोग दुनिया का आंखों में धूला फेंक कर अपना निकल जाने का एक रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये थोड़ा सा हाथ में थोड़ा बालू या तो धूली रख लो, किसी व्यक्ति ने हमको मारने जाए तो धूला को आंखों में दे दो। सांप का लिए तो बहुत इफेक्टिव है, सांप का लिए बहुत इफेक्टिव है,
अगर हाथ में धुला ले लिया सांप तो घबरा जाएगा, अब तो हमारा आंखों में दे दे, आंखों में दे तो आंखों देखा नहीं जाएगा है, और पिटाई करो पिटाई करो पिटाई करो है। ऐसा हालत है दुनिया का, ऐसा हालत है। प्रभुपाद कह रहे हैं जो लोग रास्ता दिखा रहे हैं कोई कोई अपना इंटरेस्ट नहीं है, निर्मत्स साधु, सिर्फ इसलिए चिल्ला रहा है कि दुनिया मर रहा है और कुछ नहीं। अरे दुनिया मर रहा है इसलिए चिल्ला रहा है, और उसका पर्सनल कोई इंटरेस्ट। और दुनिया का जो चोर है, बदमाश है, डाकू, लोचार है, धोखेबाज है, हैं मक्कार है, वो क्या कर रहा है, थोड़ा हाथों में धूला लेकर जो देख सकता है ना उसका आंखों में डालकर थोड़ा निकालने का कोशिश कर रहा है। बट दे आर बिजी टू मेक आउट द वे वे आउट करने का, कैसे निकाल जाए इस जो इल्जाम है इससे कैसे निकाले जाए। पहला बात तो ये है, जब तक गुरुदर्शन अकाल चर्चा हो, जब तक गुरुदर्शन ना हो, भगवत दर्शन तो दूर की बात है। जब गुरुदर्शन ही नहीं है तो भगवत दर्शन तो ये तो मजे का बात है, ये गप है, ये हो ही नहीं सकता। ये जो जब तक गुरुदर्शन नहीं भाई, जब तक गुरुदर्शन नहीं हुआ तब तक तो भगवत दर्शन तो ये असंभव है। काल अंग्रेजी कथा में मैं बताया था, नारद भक्ति सूत्र शायद आपने सुने होंगे, नारद भक्ति सूत्र, शांडिल्य भक्ति सूत्र, बहुत सारे भक्ति सूत्र हैं। तो नारद जी महाराज भक्ति राज्यों का आचार्य है, भक्ति जगत का आचार्य है। और नारद जी महाराज जैसे वेदांतों में होता ना, वेदांतों में क्या होता है, वेदांतों में एक एक छोटे छोटे सूत्र रहता है, जन्मादस्य जतो। अरे इसका माने क्या है, जन्मादस्य जतो अथोत ब्रह्म जिज्ञासा, बस बस एक छोटा छोटा सूत्र है, श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्, छोटा छोटा शब्द है कुछ नहीं, इसका माने क्या है मार। बोले ये माने समझने जाओ तो बहुत आपको लकड़ी मतलब समीत समीत पानी श्रौतियम ब्रह्मनिष्ठम बोलते हो ना, तद विज्ञानार्थम स्वगुरु मेवामी गच्छेत, समीत पानी श्रौतियम ब्रह्मनिष्ठम तद विज्ञानार्थम, ये तत्व ज्ञान को जानने के लिए बड़ा भारी गुप्त गुज्यम विशुद्धम दुर्बोध्यम, जो जमराज जी महाराज द्वादश महाजन में एक जन बोल रहे, गुज्यम विशुद्धम दुर्बोध्यम, इसका बारे में अगर जानकारी चाहो मतलब अमृत चाहो तो, नहीं चाहो तो ठीक है खेल खेल में जिंदगी गुजार दो, बुफे सिस्टम में जाओ, सैटरडे क्लब संडे क्लब एंजॉयमेंट करो, पार्टी में जाओ एंजॉय करो, डांस करो, और बुफे सिस्टम बफेलो सिस्टम कर लो, कुत्ता का मां भी खाओ, इसे इधर से टेबल से ले लो, और झूठा फूटा कुछ नहीं, वो सब चलेगा महाराज, ये हम लोग परमंश है सब चलेगा, झूठा क्या है, झूठा कुछ नहीं, अब तो ठीक ही तो बात, झूठा क्या चीज़ है, टट्टी पैसा भी क्या बात है, कुछ नहीं सब परमंश। तद विज्ञानार्थम स्वगुरु मेभावी गच्छेत अभिगच्छेत, अभीष्ट प्राप्ति मतलब दिव्य ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वगुरु मेभावी गच्छेत, कैसे समित पानी सौत्यम, अगर ये जानना चाहो तो आपको बहुत सारे समित अर्थात अपना स्वतंत्रता का तिलांजलि देना है। आई बात समझ में, अपना जो फ्रीडम है, अपना जो मनमानी भाव है, अपना जो जो whimsical attitude है, अपना सब कुछ को इसको लकड़ी बना के जाकर गुरुजी जो यज्ञ प्रज्वलन किए हैं, गुरुजी ज्ञानाग्नि उसमें सब डालना है, जला दो, समीत पानी सौत्यम ब्रह्मनिष्ठम, जो ब्रह्मनिष्ठ गुरु है। प्रभुपाद का कहना है कि जो 24 घंटा भगवान का सेवा में लगे हुए, इनके चरण में प्रपत्ति स्वीकार करना है, जाना है, सत्संग कोई खेलकूद नहीं है, चलो हम चला गया
अरे घर घर में हरि कथा होने लगे, क्या होने लगे? पहले आपको सुनाऊं, खुद को सुनाऊं, घर घर में हरि कथा होने लगे, अरे ये प्रचार हो गया। आज जाके देखो टट्टी भिसा भी पुरस्कार नहीं करता, तुम्हारा विचार है पागल है। हर घर घर में, घर घर में हरि कथा होना सुन, क्या घर घर में? पहले हरि कथा खुद सुनो, खुद का सामने प्रचार करो, उसका बाद बाहर में जाना प्रचार करने। ये पोपात का कहना है, मेरा नहीं। नारद जी महाराज भक्ति सूत्रों में कह दिए, महासंगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। महासंग सुदुर्लभ है, वेरी वेरी रेयर, ऑलमोस्ट वेरी वेरी रेयर, सो रेयर वी कैन नॉट स्पीक आउट। भक्तिमन ठाकुर कह रहे बहुत सारे देश ग्राम छानबीन करके पर्यटन करके एक पक्का साधु का साथ मिलना मुश्किल है। एक पक्का साधु का साथ मिलना अहो भाग्य की बात है। अगर मिल भी लिया फिर भी समझ में नहीं आया कि ये साधु है, ये समझ में नहीं आया तो होगा, हो गया। प्रभुपाद जी भक्तिमन ठाकुर कहते थे साधु का नाम पे असत्संग करो, इसमें बड़ा भारी पनिशमेंट मिलेगी, सत्यानाश हो जाएगा। भक्तिमन ठाकुर कहते थे साधु का नाम पे असाधु का संग किया जितना खतरनाक है, साधु का नाम पे जो असत्संग किया और साधु का संग ही जितना खतरनाक है। और असा है साधु का नाम पे असाधु का संग किया है, असाधु को साधु समझ के बैठा है, साधु संग के नाम पे असत्संग किया है, असत्संग को सत्संग को असाधु समझा। भक्तियों सत्संग को हम असाधु है बेकार, ए बेकार, सत्संग को मैंने बेकार समझा, असत्संग का नाम पे साधु संगी। भक्तिमन ठाकुर कहते थे दोनों ही वेरी वेरी डेंजरस, सो डेंजरस दैट वी कैन नॉट स्पीक। क्यों? पहला बात तो ये है, हरि कथा सुनने के लिए जो सोर्स चाहिए, व्हाट इज द सोर्स फ्रॉम वेयर वी कैन हियर द सोर्स विच आई कैन रिलाय इज विच इज अप्रूव्ड बाय गुरु वर्ग, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। पोपा जी कहते थे हरि कथा सुनने के लिए पहले तैयार करो, कहाँ से सुनना है? जहां तहां से हरि कथा का नाम पे सुनना शुरू कर दो, हो गया छुट्टी तुम्हारा। अरे महाराज हराम हरि कथा कीर्तन ही तो सुना, नहीं सुना, नहीं सुना। प्रभात कहते नहीं सुना, बेकार की बात है। अगर हरि कथा होता तो चल परिवर्तन नहीं क्यों हुआ? जो अपराध किया हुआ है हरि कथा सुनने के बाद भी उसका असर नहीं पड़ता। पोपा जी कहते हैं बहुत अपराध करने से हरिनाम हरि कीर्तन करने के बाद भी इसका परिवर्तन होना नामुमकिन है, संभव नहीं, संभव नहीं, ऐसा हो जाता। पोपा कहते थे कम से कम नाम अपराध हो रहा है वहां मत जाओ, ये मेरा विनती है। कम से कम जहां नाम अपराध नहीं हो रहा है, कम से कम जहां ठीक है नाम है, नामाभास हो रहा है ठीक है चलो, वो भी जाना ठीक नहीं है फिर भी चलो। जहां नाम अपराध हो रहा है, हरि कथा हरि नाम को इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया, बना के लाभ पूजा प्रतिष्ठा को लूटने का बहाना है, ये तो हरि कथा है नहीं। और जो सुनने वाले वो मरने वाले हैं, वो जो सुनेगा वो तो मरेगा सारे के सारे, कोई करने का बचाने का कोई रास्ता नहीं है, बचाने का। इसलिए नारद जी महाराज भक्ति सूत्रों में लिख दिए, जैसे हमने वेदांतों के सूत्र बताया ना, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्मादस्व यत हो सुतेस्व सद्म मूल अत्याग, ये जो छोटा 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 ये जो सूत्र है, ये सूत्र का गहरा विचार एकमात्र जिसका ऊपर भगवान का कृपा हो गया वो समझता है। वेद वेदांत तो मुखस्त कर सकता है, बोल लेक्चर दे सकता है, कि क्योंकि अगर प्रैक्टिकल अनुभूति नहीं है
वेदांतों का एक एक शब्दों का प्रैक्टिकल अनुभव ये किसका अंदर में है? बहुत सारे आदमी वेदांती बन के बैठा हुआ है, वेदांती, लेकिन हमारा परमवीर केशव गोस्वामी महाराज अप्राकृत वेदांती, श्रील स्वरूप गोसाई जी महाराज अप्राकृत वेदांती, ये लोग वेदांत। वेदांतों का अर्थ समझना है, कोई वेदांती जिसका दांत नहीं है उसका बात मत जाओ। वेदांतों का अर्थ समझने के लिए जाना पड़ेगा परम भक्तराज जो स्वरूप गोसाई, रूप गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, ये लोग के पास जाना है। तो जहाँ तहाँ भागोगे, भागा दौड़ी करोगे, उतना ही मरोगे, क्या करें। महासंगस्तु दुर्लभ, ये असंभव है मिलना, और अगम्य ये साधु संघ के साथ मुलाकात करना मिलना अगम्य। अगम्य का मतलब है साधु अगर मिल भी गया इसका अंदर में घुसना, मतलब साधु का हृदय में घुसना संभव। अगम्य यू कैन मीट अ साधु बट कैन नॉट रियलाइज, मिलने के बाद भी समझ में नहीं आया कि पक्का साधु है, ये तो अगम्य है। अगम्य माने यू कैन नॉट गेट एंट्री इनटू द हार्ट ऑफ साधु। हम अगर गोरकिशोर बाबा जी महाराज का हृदय को समझना चाहे तो क्या व्हाट इज द प्रोसीजर? हमको बाबा जी महाराज का आचरण को समझना है, बाबा जी महाराज का हरिकथा चुटकी जो कहते हैं, चुटकी मतलब हरिकथा का चुटकी, ये बाजार का चुटकी नहीं है, हैं? ये जो बाबा जी महाराज कहते थे उसको समझना है, बाबा जी के आचरण, बाबा जी महाराज का आचार आदर्शों को जिंदगी में लेना है, तब बाबा जी महाराज के हृदय में धीरे 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 हम प्रविष्ट हो जाएंगे। जैसे हम बहुत दिन पहले बताया था, शिष्य गुरु जी के हृदय में प्रविष्ट हो जाए बहुत बड़ा बात है। जब शिष्य गुरु जी के हृदय में प्रविष्ट हो जाए तब ही वास्तविक सेवा संभव है। जब शिष्य गुरु जी के हृदय में सेवा करते 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 आज्ञा पालन करते 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 गुरु जी के हृदय में प्रविष्ट हो गया, गुरु मुख पद्म वाक्य हिदायत करिया ओक्य आरना करिया मने आशा, जब ऐसा स्थिति पहुंच जाए उस समय में गुरु और शिष्य में कोई भेद नहीं रहता, उस समय गुरु और शिष्य में कोई भेद नहीं रहता। जैसे हम लोग बताते ने केशव अधीत वामन रूप जय जगदीश हरे, केशव गोस्वामी महाराज वामन जी, वामन गोस्वामी महाराज का रूप पकड़ कर हमारा सामने में प्रकट हो गया। अब अफसोस करने का बात है, केशव गोस्वामी महाराज चला गया फिर भी नहीं है, क्योंकि वही आचरण, वही सिद्धांत विचार, एक भी गलती नहीं है जिंदगी में, एक भी गलती दिखाने जो मुंह से निकल रहा है तो सिद्धांत। ये जो उदाहरण दिया इसको समझने का कोशिश करो, तभी भगवान श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश जो उद्धव जी महाराज को दिया गया वो समझ में आएगा। तो ये जो अमोघ अगम्य अगम्य दे यू कैन नॉट गेट एंट्री, और साधु का हृदय में प्रविष्ट ना हो तो साधु क्या है हम कैसे समझेगा? बाहरी लंबा है कि काला है कि धोला है कि लंबा है कि खाटो है कि क्या है, ये सब देख के साधु विचार होता है क्या? साधु को कानों से दिखा जाए, साधु को कानों के कानों से दिखा जाए तब अनुभव में आए, आए महाराज कैसा बड़ा साधु है, कितना अनुभवी साधु है, कितना पहुंचा हुआ संत है, ये गुरु जी का साथ एकाकार हो गया। ये जो काल बताया था भगवान श्री कृष्ण जो उद्धव महाराज को आचार्य बना के गया, ये सबसे बड़ा अनोखा उदाहरण है। ये जिंदगी में ऐसा उदाहरण मिलना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। जस्ट दिस प्रोसीड्योर, जो गुरु का जो संपत्ति है हृदय में, शिष्यों का आधार पर, शिष्यों का जो आधार है, ये आधार हुआ टूटा हुआ आधार है, या तो उसमें सुरंग है, सुराख है, डिफेक्टिव है पात्र,
आधार है डिफेक्टिव, तो उसमें कैसे ज्ञान विज्ञान प्रेम का जो संपत्ति कैसे रखा जाए। जैसे श्री माधवेन्द्र पुरीपाद जी ईश्वर पुरीपाद का हृदय में अपना सारा खजाना भर के रख दिया, कोई कमी नहीं है। अब ऐसा बात कृष्ण भी कहें, उद्धव को मेरे से जरा सा भी बाल बाल का डिफरेंस मत समझो। नौ उद्धवो अनुपी मनुनम, उद्धवो अनुपी थोड़ा सा भी मेरे से कमती नहीं है। महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो, जब गुरुमुख पद्म तो हृदय तब तो गुरु जी का हृदय में प्रविष्ट हो जाए। जैसे जैसे हमने बताया, उदाहरण दिया श्रील बामन गोस्वामी महाराज जी केशव गोस्वामी महाराज के हृदय में प्रविष्ट हो गया, परम केशव गोस्वामी महाराज प्रभुपाद का हृदय में प्रविष्ट हो गया ना। देखो कितना बड़ा प्रभुपाद जी कितना बड़ा परीक्षा ले रहा है। विनोद बाबू, विनोद प्रभु, आपका माता जी अस्वस्थ है, जल्दी चले जाओ आप गाँव पे। और केशव गोस्वामी महाराज नहीं गए, विनोद बाबू नहीं गए। और शाम को जब देखा, क्या हमने जो ये टेलीग्राम आया आपको जो बताया माता जी अस्वस्थ है, अब जल्दी जाओ बोला ना, तो क्या है नहीं? आंखों में आंसू लेकर विनोद बाबू, विनोद प्रभु बोल रहे हैं, प्रभुपाद आप मेरा परीक्षा ले रहे हैं क्या? आप मेरा परीक्षा ले रहे हो हैं? आप ही मेरा माता हो, आप ही मेरा पिता हो, आप ही मेरा बंधु है, आप ही भाई, सब कुछ आप ही हो, जिसका बारे में गीता का प्रवचन में बोलता है ना, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्वाम द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव दे। ये तो कहने का बात है, जय जगदीश्वर, आरती कर दिया, कष्ट मिटे तन का, धन संपत्ति आए घर का, कष्ट मिटे तन का, इसीलिए जय जगदीश्वर, नहीं तो फेंक देते। यही मेरा हरि भजन है, पूजन है, आरती है, ये सब। केशव गोस्वामी कहते हैं प्रभुपाद, केशव गोस्वामी ने प्रवचन में बताए, प्रभुपाद मेरा परीक्षा लिया, प्रभुपाद देखना चाहा कि मेरा ऊपर कितना भरोसा है इसका, कितना मेरा हृदय में प्रविष्ट हुआ, और छानबीन करके देखे जो प्रभुपाद का हृदय में क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ हरि सेवा का भाव है, राधा रानी का अनुगत, और क्या है, कुछ नहीं है, वर्षभान विदोही तो दास, यही तो भाव है और क्या। विचार करके देखना, जैसे केशव गोस्वामी महाराज ने किया और समझ गया जब प्रभुपाद इच्छा करके मेरे को परीक्षा ले रहा है, ये देखना चाहे कि कितना निष्ठा है गुरुचरण में, विश्वास है, ये समझना मामूली बात नहीं है। आम आदमी होता तो, ऑर्डिनरी कोई भक्त होता तो तुरंत गांव चले जाते मैया को देखने के लिए तुरंत। ये तो है केशव गोस्वामी महाराज, विनोद बाबू, विनोद प्रभु, इसीलिए समझ गया जो जितना परिमाण गुरु जी का हृदय में प्रविष्ट हो सके, हारमोनाइज कर सके, वो उतना ही बड़ा साधु है, और उसका ही आचार्यशिप अप्रूव हो जाएगा शास्त्र के द्वारा, क्योंकि उस समय गुरु और शिष्य में कोई भेद नहीं रहता, जो गुरु वही शिष्य है। इसीलिए केशव अधीत वामन रूप उदाहरण हमने दिया, और महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्य अमघश्च, अमघ मतलब इनफेलेबल, और रिजल्ट होगा ही होगा, इसका कोई उल्टा सीधा नहीं हो सकता। साधु संग अगर पक्का हुआ तो होना ही है रिजल्ट। और नारद जी महाराज जी बताएं, ये साधु का ही संग करना है, पक्का साधु का, तदेव साध्यताम, तदेव साध्यताम, अर्थात इसी को ही साधन करना है, अर्थात सद्गुरु का चरण का भजन करना है, तो भगवत भजन
अपने आप हो जाएगा। काल ये चर्चा हुआ था, देखो भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी महाराज को ये जगत में छोड़ के जा रहा है। क्यों छोड़ के जा रहा है? पहले इसीलिए छोड़ के जा रहा है कि जगत में एक दृष्टांत, एग्जाम्पल, एक मिसाल, एक माइलस्टोन छोड़ के जाएगा, ताकि आदमी समझे किसका अनुगत करना है, नहीं करना है। अभी भी समझते नहीं आदमी, इतना उल्लू है, समझता नहीं। भगवान श्री कृष्ण इच्छा करके उद्धव जी महाराज को जाने का पहले, जगत छोड़ने का पहले आचार्य का पद में बैठा के जाए, लेकिन उद्धव मन नहीं रहा है। उद्धव रो रहा है, मन नहीं रहा है, मतलब वो रहा नहीं जाए। इतना टूट गया दिल, इतना टूट गया दिल कि मत पूछो, रोना एकदम, रोते रोते पागल हो गया। वो सोचते रह गए, ये सोचते रह गए, अरे महाराज हम कैसे जिएंगे, आपके अलावा मैंने जीवन जिंदगी गुजारा नहीं, कुछ भी नहीं किया। अब हम, आप कह रहे हो कि मेरे को छोड़ के जाओगे, मैं कैसे जीऊं? जिए तो जिए, कैसे जिए हैं? इसीलिए उद्धव जी महाराज रो रहे हैं। ऐसा नहीं कि उद्धव जी महाराज भगवान का आदेश को पालन करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा नहीं। लेकिन ये जो आदेश है, एक ऐसा आदेश है, वो एकदम जैसे कि हम मर जाएंगे। इसीलिए प्रार्थना किए, ठाकुर जी ये बहस नहीं किए, ये सचो मात की बहस की, बहस नहीं किए, खाली ऐसा बोला आपका चरण छोड़ना मेरे लिए संभव नहीं है, और जो करना है आप करो। ना हम तवांग्री कमलम खनार्धमो पिकेशव त्यक्तुम उत्सहे ना तो सौधाम नयो मामपि। हमको भी ले चलो ठाकुर जी, हमको भी ले चलो, हम आपकी लेवा कैसे जिएंगे? ऐसा करके सारे प्रमाण दिए, जे सोने सोते सोते, बैठते बैठते, खाते खाते, चलते चलते, स्नान मनाते मनाते, हर वक्त आपका ही पीछे रहा। अब हम कैसे क्या करें? आपका ही तो, अरे इतना विश्वास है, मैं तो गिरा हुआ इंसान हूं, मायावद जीव हूं। उद्धव जी कह रहे हैं आउट ऑफ हिज हम्बल एटीट्यूड, विनम्र भाव से कह रहे हैं कि मैं गिरा हुआ है, मायाबद्ध जीव हूं, मैं क्या करूं। लेकिन इतना विश्वास है ठाकुर जी, तयोपभुक्तो श्रक गंधो वासु अलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजिनो दासहा स्तवो मयाम जय मही। आपका माया जय करके रख देंगे। जब भी आप गीता में कहे हो हैं मामे वो ये प्रपद्यन्ते मायामेतम तरन्ति, जो मेरा चरण में शरणागत है उसका लिए ये माया पार करना संभव है, दूसरे को नहीं। लें उद्धव जी बोला, देखो मेरा जिंदगी का सारे प्रसंग जो है, उठना बैठना, खाना, चलना, बातें करना, सब तो आपको ही लिखे हैं। अब मैं आपका प्रसाद छोड़कर कुछ लिया ही नहीं, आपका जो चंदन है, आपका माला है, आपका जेवर है, आपका कपड़ा है, सारे के सारे आप जो फेंक दिया है ना, वो प्रसाद मैंने लिया, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है क्या? कितना बड़ा चीज है गुरु वैष्णव का प्रसाद। ऐसे तो चैतन्य भागवत में ऐसा दिया हुआ है, लिखा हुआ है, वैष्णव का चरण जल, वैष्णवेर पद रेणु, भक्त भुक्त अवशेष, तीन साधनेर बल। ये तीन जो है ना, वैष्णव का उच्छिष्ट ले लेना, वैष्णव का चरण रेणु ले लेना, वैष्णव का चरण धौत जल ले लेना, ये तीनों औषधि है। ये तीनों जो है औषधि है, औषधि नहीं है, मैंने गलती बोला, महाऔषधि है। ये छोड़ के तरक्की का कोई रास्ता ही नहीं। प्रहलाद जी महाराज तो ऐलान कर दिया नृसिंहदेव के सामने, एकदम बोल दिया खुल के,
नैशांग मतिस्तावत उरुक्रमांगिन स्पृशत्यानार्थापकमो यदर्थो महीय साम पदर जीव विषेकम निष्किंचनानम न वृणित जावत। जब तक निष्किंचन गुरु विष्णव का चरण धूलि में स्नान ना मनाए, जब तक गुरु वैष्णव का चरण धूलि से अभिषेक ना हो जाए हमारा, तब तक भगवत राज्य क्या वस्तु है, वैकुंठ जगत क्या है, कैसा है, कौन रहता है, क्या होगा, वह कुछ समय में नहीं। नैशांग मति स्तावदूरु क्रमांगि स्पृशत्यनर्थाप गमो जदर्थ महीयसाम पादरजो विषेकम निष्किंचनानम न वृणीतो जावत। जावत तावत, जावत तावत लगा दिया, जब तक तब तक। ये प्रहलाद महाराज जी का सिद्धांत विचार है। ये दुनिया का जो आदमी कुछ भी बोले, प्रहलाद महाराज जी का सिद्धांत शास्त्र का विचार है, इसका अन्यथा हो नहीं सकता। सो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि उठते बैठते चलते आपका तो पुसाइदी लिया, प्रसाद लिया, प्रसाद का कोई वैल्यू है नहीं क्या? वैष्णवेर चरण धूलि, वैष्णवेर चरण जल, वैष्णवेर भक्त भुक्त अवशेष, तीन साधनेर बल। आप कहते हो ना कीर्तन में, कृपा करो प्रभु दिया चिद बल, कीर्तन करते हो ना, नहीं कीर्तन करते, कृपा करो प्रभु दिया चिद बल। और उपनिषद में भी ऐसा है, नायम आत्मा बलहीने लभ्य, ध्यान से सुनना, उपनिषद में है जे नायम आत्मा बलहीने लभ्य। मतलब क्या है, कहने का मतलब है बलहीन निबल निबल आत्मी, ये परम आत्मा पर अखिलेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। जो बलशाली है, बलवान है, वो पाप। कौन बलवान है, वो जो बलवान किसको कहा गया, जिसका चित बल सफिशियंट है। कृपा करो प्रभु दिया चित बल, भक्ति में ठाकुर कीर्तन, कृपा करो प्रभु दिया चित बल। हम सोचते हैं कि परमान्न खाए पुष्पान्न खाए ये बस हो जाएगा पुष्टि तुष्टि, ऐसा नहीं। गौर किशोर बाबा जी महाराज कौन कौन सा स्वीट बल खा रहा है, रसगुल्ला बेदाना खा रहा है क्या? अरे बेदाना नहीं खाने से खून कम हो जाएगा ना, हाँ ठीक है खून कम हो जाएगा, खून तो ऐसे ही कम है, कुछ नहीं क्या रखा है इस शरीर में, मन में कुछ है क्या? फेंकने वाला चीज़ है, डस्टबिन में क्या करे सब शरीर देखे दुर्गंध दूषित, जिसमें भजन नहीं बने इस शरीर देखे क्या करे, बेकार। कृपा करो बहु दिया चित बल, इस बात को ध्यान रखना, भूलना नहीं तो दिमाग खराब हो जाए। नायम आत्मा बलहीन लभ्य मतलब है जो बलहीन जो चिदबलहीन व्यक्ति है ये कभी हरिभजन नहीं कर सकता। चिदबलहीन जिसका पास चिदबल नहीं है वो हरिभजन नहीं कर सकता। इसीलिए प्रार्थना किया गया जे कृपा करो प्रभु दिया चिदबल। नायम आत्मा प्रवचन, और बाकी दुनिया का आदमी जो एक्स मिशन वाई मिशन वो कहते हैं, ओ महाराज मछली मांस डीम खा नहीं खाओ तो बोला है शास्त्र में बल बढ़ाओ, छागल कहीं का कैसा उल्टा व्याख्या कर रहे थे। अरे महाराज बोल दिया इधर, बलहीन व्यक्ति कुछ ना मांस मछली खाओ मांसो खाओ कुछ खाओ पियो जियो नरक में जाओ कोई चिंता नहीं, तो बल आएगा ना शरीर में, हाँ ठीक है बल आएगा। असुर बनोगे, असुर पक्का असुर, ऐसे तो असुर है ही है, बाद में फिर असुर बन जाएगा और बड़ा असुर। तो ऐसा है नया महात्मा बलहीन ये बताया। और उद्धव जी महाराज का इतना विश्वास है क्योंकि गुरु वैष्णव का कृपा भगवान का कृपा भरपूर है जीवन जिंदगी में लिया, इसी को डेकोरेशन बोला जाता है। भगवत भक्तिहीनस्व जप ताप जो कुछ भी है, मितदेहस्व मितदेहस्व मंडनम लोकरंजनम, मृतदेह मुर्दा को
अगर मुर्दा को जेवर पहनाओ क्या फायदा, मृतदेहस्यैव मंडनम लोकरंजनम। एक मुर्दा को, मुर्दा जनानी को आप पहना दो जितना सारे जेवर है, वो क्या लाभ है? जब प्राणी नहीं है तो जेवर देके क्या करेगा? तो हमारा जो कुर्सी आपने दिया है, हमारा भजन नहीं है, आचार्यों का कुर्सी दिया है आपने, माला चढ़ाया, पैर धुलाया, ये जो डेकोरेशन किया है उसका क्या कीमत है? क्योंकि मैं तो डेड बॉडी हूँ। इतना आरती उतारा आपने हमारा, इतना पुष्पांजलि दिया, माला चढ़ाया कि देखने का लायक है, लेकिन मैं तो चलता फिरता मुर्दा हूँ। ये माला पला चढ़ाने के क्या फायदा? इससे अच्छा तो प्रभुपाद को चढ़ाओ, जाओ गौर किशोर बाबाजी महाराज को चढ़ाओ, ये अच्छा है। तो प्रभुपाद उद्धव जी महाराज का कहना है, तयोपभुक्तो स्रगंध वास अलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजिनो दासास्तवो मयाम जय मही। आपका माया को तो जय करके रख दिया, क्योंकि आपको तो प्रसाद लिया ना, प्रसाद सेवा करीते हय सकल प्रपंच जय। ये कहने का बात है ये कहने का कोई विश्वास ही नहीं है, सब धोखेबाजी। 420 बोलो तो मुश्किल है, उचित नहीं है। 420 बोलो तो ठीक है, ऑथेंटिक है, कोर्ट में जाए तो कुछ करने, महाराज हम 420 बोला, हम तो 420 नहीं बोला, ये अच्छा है, ये अच्छा है ना, ऐसा है। उद्धव जी का इतना विश्वास है, ये तो माया जय करके रख दिया है। क्यों? प्रसाद सेवा करी है सर, हम इतना प्रसाद खाया, परमान्नो पुष्पान्नो लूची पूड़ी हलवा, लेकिन कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं हुआ। क्यों? प्रसाद का ऊपर विश्वास ही नहीं है। और विशेष करके हमारा परम सिद्धर गोस्वामी महाराज कहते थे, किसने प्रसाद का अरेंज किया, कैसे बनाया गया, कौन भोग लगाया, ये सारे इसका बारे में डिटेल चर्चा हमने एक आर्टिकल जैसा है, फॉरेन डिवोटी ने प्रश्न किया था स्पेन का, पूरा उत्तर दिया भगवान का इच्छा से। अब बाद में देखा परम पूज्य सिद्धर गोस्वामी महाराज का एक छोटा सा लेखनी देखा, इसमें ही महाराज कह रहे हैं कि कौन भगवान का भोग लगा है, दैट इज द वेरी वाइटल फैक्टर। क्योंकि हर जगह जगन्नाथ प्रसाद का मांग की इज्जत नहीं है, कि जगन्नाथ का उधर कमिटमेंट है, 100% जगन्नाथ को खाना ही है उधर, बाकी जगह कोई गारंटी नहीं है, कोई उटपटांग है, कोई उल्टा सीधा है, व्यभिचार है। भगवान तुम तो, आप तो रोसी करके रख दिया, धर दिया ठाकुर जी के सामने, ठाकुर जी खाया कि नहीं खाया आपको तो पता नहीं, वहाँ व्यभिचार हो रहा है, काला धन काला पैसा का उपयोग हो रहा है, काला धन लेके भोग लगाया, भगवान खाएगा नहीं, किसने भोग दिया? बोले जो भोग दिया वो तो उल्टा सीधा करता है, रात को उसका भोग, तुम तो पुजारी रख दिया। अरे महाराज पुजारी मिलता नहीं, क्या करे, पुजारी मिलता नहीं, अरे बंद कर दे, दरकार नहीं, इससे अमंगल बढ़ते रहेगा। भक्तिमय ठाकुर का कहना है, काल चर्चा करेंगे भक्तिमय ठाकुर क्या बोल रहे हैं, हमारा विरुद्ध में कुछ नहीं बोला, हम भक्तिमय ठाकुर का बात कह रहे, बंद कर दो, उससे अच्छा है अपना अमंगल और दूसरे का अमंगल भी हो बंद हो जाएगा, कम से कम बोलते अमंगल को रुको, मंगल ना हो ठीक है, कभी हो जाएगा, मंगल नहीं हुआ कभी हो जाएगा, अमंगल को रुको। कौन भोग लगा रहा है, ये सबसे बड़ा बात है। एक बड़ा आचार्य जो है ये अगर भोग लगाए तो इसका ऊपर भगवान का अट्रैक्शन रहता है। परम पूज्य माधव गोस्वामी में कितना शुद्ध विवाह है, एक जगह गया वहाँ आम आदमी ने बोला महाराज हम भंडारा करेंगे, उत्सव देंगे, द्वादशी का तिथि है, भक्ति देवी तो माधव गोस्वामी बोला ठीक है आप बाजार लेके आ जाओ, मेरा ब्रह्मचारी है सन्यासी उसे रुसी करें, कि हम लोग करेंगे, नहीं ऐसा तो नियम नहीं है, हमारा आदमी है सब हम रुसी करेंगे, अब तो हलवाई पे रुसी हो रहा है, ठाकुर जी को भोग लगा, जगन्नाथ खाया नहीं कितना दिन से भूखा पड़ा है वो भी खा लेगा, हलवाई जो है बसूरी बजा रहा है बीड़ी खा रहा है,
उसका हाथ में भी खाओ, छोला मठोरा सब खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, आनंद से भक्ति मिल जाएगी, हाँ हो जाएगा। ऐसा है, कौन भोग लगा रहा है? ये अगर परम पूज्य माधव गोस्वामी महाराज तो आंखें मूंद के खा लो, ये अगर भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज या भंडारा का अरेंजमेंट किया है, भारती महाराज जी नरोत्तम ब्रह्मचारी ने रसोई किया है, आंखें मूंद के खा लो, वो कोई चिंता नहीं, ये महा महा प्रसाद है। वैष्णव में ले पा लिया उसके बाद हम पा रहे हैं। तो प्रसाद का महिमा उद्धव जी कह रहे हैं। अब उद्धव जी का कहना है कि मैं आपके छोड़ आपको छोड़कर मर जाऊं, रहना संभव नहीं। भगवान कह रहे हैं उद्धव, मेरा जो इच्छा है ये तुम्हारा इच्छा है ना? बोला हाँ, आपका इच्छा है मेरा इच्छा है, तो ऐसा अगर कह दिया तो तुमको सधाम नयो माम अपी ये बात को छोड़ दो, ये बात को काट दो अपना डायरी से, ये बात को काट दो, हमको ये मत बोलो कि सधाम नयो माम अपी हमको भी आपका साथ ले चलो, ऐसा मत बोलो, क्योंकि मेरा जो आदेश है ये आपका सेवा है, यही तो आपका काम है। उद्धव जी रो रहा है, मेरा कोई भजन साधन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एक विश्वास है, आपका पीछे रहा है, हर वक्त आपका पीछा किया है, और आपका प्रसाद आगे ग्रहण किया है, तो शायद माया तो पकड़ेगा कैसे? जो ऊर्ध्व रहता सन्यासी ब्रह्मचारी हो तो ब्रह्मलोक में जाता है, हम तो ऐसा समझते नहीं, हम तपस्या तपस्या कुछ नहीं किया, हम सिर्फ आपका चरण कमल जानता है, वो तपस्या छोड़ो, हम तपस्या नहीं जानता, हम तपस्या को नहीं जानते, लेकिन आपका पीछे रहा, आपका मुस्कान को देखा, आपका मधुर मुस्कान को देखा, आपका परिहास को देखा, मजे मजे में आपने क्या कुछ बोला है, आपका खाते हुए आपको देखा, सोते हुए देखा, चलते हुए देखा, बस आपको ही आपका तस्वीर मेरा मेरा हृदय में बैठा हुआ है, बस इतना ही जानता हूँ और कुछ नहीं जानना चाहता हूँ, मेरा कोई जानने का कोई इच्छा नहीं, आपको जाना बस, ठीक है। अब अगर छोड़ के जाओ तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जिएंगे आप, जाने का साथ साथ गिर जाएंगे, मर जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे उद्धव जी का जो प्रार्थना है ये हार्ट टचिंग, इतना गर्म प्रार्थना है, इतना सुंदर, इतना दर्द भरे, इतना दर्द भरे नाले, इतना दर्द भरे जो प्रार्थना है, भगवान श्री कृष्ण चुपचाप सुनते रहे। अभी तक जो कुछ नहीं बोले, अभी तो सुनते रहे चुपचाप, और बाद में करुणामय भगवान परात्पर अखिलेश्वर तमाम जगत का मंगल का जो उत्सव है, सोर्स है, जो भगवत चरण है, ये भगवान अपना दर्द भरे कंठ से, अपना दर्द भरे वाणी से उद्धव को समझाने का कोशिश किए, ये उद्धव मैं तुम्हारा बात मानता हूं, ये नहीं कि तुम गलत बता रहे, तुम गलती बता रहे, तुम उल्टा बता रहे हो, ऐसा नहीं है, मैं जानता हूं उद्धव, मेरा विश्वास है कि आपका कितना प्यार है मेरा ऊपर, मेरे से कितना लगन है, कितना प्यार है, कितना निष्ठा है, जरा सा भी आप सहने का तो मैं जानता हूं, जानते हुए भी मैं ये कह रहा हूं तुम्हारा साथ, उद्धव तुम जो बोल रहे हो ये सही बात है, ये तुमने कुछ गलत नहीं बताया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम गलत बताए, मैं धरती छोड़ने का बाद ये धरती में कली का प्रभाव होने वाला है, आप सही कह रहे हो, मैं छोड़ने का बाद, मैं जगत छोड़ के जाने का बाद यहां रहना संभव नहीं है, ये मैं जानता हूं, नौ
वस्तव्यम तयैवेह मया त्यक्ते मही तले। उद्धव आप सही कह रहे हो, मोई त्यक्ते मही तले, मेरा ये जगत से जाने का बाद रहने का एनवायरनमेंट नहीं रहेगा, वो वातावरण जो है मैं जानता हूं इसमें रहना भी उचित नहीं, पूरा कोली घेर लेगा, कोली घेर लेगा चारों ओर से, देखो क्या चल रहा है, काटा पीटी चल रहा है, मारा मारी, वो अच्छा कुछ नहीं सुनना चाहता आदमी, लेस इंटरेस्टेड टू हियर एनीथिंग, सिर्फ लड़ाई में लगे हुए अपना लाभ पूजा प्रतिष्ठा, किसी से मतलब नहीं है। सो उद्धव मैं जानता हूं न वस्तव्यम तयैव एह मया त्यक्ते मही तले, मैं ये जानता हूं मैं छोड़ने का बाद तुमको भी इस जगत में रहना नहीं है। लेकिन ये बात पक्का सोच लेना उद्धव कि तुम मेरा प्यारा उद्धव हो, तुम्हारा बारे में मैं ऐलान कर दिया कि उद्धव अब मेरे में कोई दूजा बात नहीं रखो, हु इज उद्धव ही इज कृष्ण, हु इज कृष्ण ही इज उद्धव, उद्धव अब कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, ऐसा मैंने बोला है। कितना तुम्हारा सा हृदय का मेरा संबंध है विचार करना। लेकिन उद्धव एक बात पक्का है, मेरे को जाना ही पड़ेगा, मेरे को जाना ही पड़ेगा, मेरा जाने का टाइम हो गया, मैं क्या करूं, मेरा जाने का समय हो गया, जो क्रिया कर्म के लिए जो करने के लिए जो चुस करने के लिए धर्म संस्थापनायो प्रसमायो इतरस्य च, धर्म को संस्थापन करो अधर्म को विनाश करो करके स्थापन करके जो जो कुछ मेरा करने का था ये हो गया, मेरा कर्तव्य जो है मैंने निभाया, अब हमको जाना ही पड़ेगा उद्धव, मैं क्या करूं, हमको जाना ही पड़ेगा। और ये आम आदमी को धर्म क्या है भजन क्या है ये लोग तो समझता नहीं, और इस बारे में श्रीमद् भागवत जी महापुराण में भगवान ऐला पक्का ऐलान कर दी, जो देखो मेरा अवतरण का कारण एक ही है, भजते तदृशी कीरा जा श्रुता तत्परो भवेत मनुष्यन्देहम आश्रिता, भजते तादृशी कीरा जा श्रुता तत्परो भवेत, भवेत मीन विधि लिंगो, इट मस्ट बी देयर, इट हैज टू बी देयर, होना ही चाहिए। जो मेरा ये सब ये जो मेरा अवतरण का कारण है, मैं इधर अवतरण करके लीला रचाया, कई उपदेश दिया, आचरण किया, और मेरा लीला कथा आचरण ये सब सुनते रहे, देखते रहे, विचार करते रहे और करके मेरा भजन करे, और ये भवेद लिंगो, भवेद मीन विधि लिंगो, भवेद मीन विधि लिंगो है, जा श्रुता ये मेला लीला कथा आदि शोवन करके जा श्रुता तत्परो भवेत, तत्पर मीन मस्ट बी एक्टिव टू स्टार्ट भजन, ये होना ही है, अगर नहीं है तो विचार के छानबीन करके देखो ये व्यक्ति का पीछे बहुत सारे गहरा अपराध है, अगर गहरा अपराध है बहुत सारे अपराध है, जितना भी हरिकथा सुनो जहां से भी सुनो या पोपा से सुनो कुछ नहीं फल होने वाला, काल इस विषय में चर्चा करेंगे, कुछ नहीं होने वाला क्योंकि अपराध है, इट इज वन काइंड ऑफ इंपीडिमेंट्स, ये बैरियर है, ये बैरियर क्या है, बैरियर मतलब बाधक है, बाधा, चेतना गिरते जा रहा है, भजन मतलब चेतना ऊपर जाने का है, भजन मतलब चेतना ऊपर जाए, लेकिन ये भजन कैसा हो रहा है जिसमें चेतना नीचे गिर रहा है, डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, डिग्रेडेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, कहां जाए,
किस किस को बोलते फिरे, चिल्लाए, चीखे चिल्ल, क्या होने वाला है, कुछ नहीं सुनने वाला। उद्धव मेरे को जाना ही है, मेरा जो करने के लिए आया था ये हो गया, मैंने आया था और जो कर्तव्य कर्म हमने किया है, जब भी हमारा कोई क्रियाकर्म करने का दरकार नहीं है फिर भी करता हूँ, अगर मैं ना करूँ तो दुनिया निकम्मा हो जाएगा। सिर्फ एक काम बात, सिर्फ उद्धव एक काम बाकी रह गया। उद्धव सिर्फ एक काम बाकी रह गया, वो क्या है? पहले वो है महाराज, ये जदू वंशों को ले जाना है, वो भी 7 दिन का अंदर। जदू वंशों को ले जाना है वो भी 7 दिन का अंदर। उद्धव ये समझने का कोशिश करो, मैं चले जाऊं तो दुनिया में ऐसा एक वैकेंट पैदा हो जाएगा, फील ऑफ द ब्लैंक होने वाला नहीं है। बचपन में परीक्षा देते थे उस समय आता था फील ऑफ द ब्लैंक, सही शब्दों से उसको फील करो, सेंटेंस बन जाए, मार्क मिलेगा, नंबर मिलेगा, नहीं तो काट देगा। भगवान श्री कृष्ण जाने का बाद को फील ऑफ द ब्लैंक कोई हो सकता है क्या? हाँ, चैतन्य महाप्रभु आने का साथ साथ ये फील ऑफ द ब्लैंक हुआ था, उससे भी बढ़कर। पोपा जाने का बाद जो ब्लैंक हुआ था वो पूर्ति होने वाला नहीं, ठीक है, हमारा गुरुवर्ग ने थोड़ा कुछ किया है। उद्धव ये समझ लेना कि 7 दिनों का अंदर ये द्वारका नागरी जो है पानी का नीचे चला जाएगा, द्वारका नागरी प्लावित हो जाएगा। उद्धव तुमको हम नहीं ले जाएंगे, नहीं ले चलो हमका मर जाए, नहीं तुमको नहीं ले जाएंगे। ये बात सुनकर मूर्छित मत हो, मेरा ये बात, मेरा ये जो सिद्धांत है, मेरा जो विचार है, ये सुनने का साथ साथ तुम अगर पागल बन जाओगे उचित नहीं है। किस लिए, क्यों, क्या कारण है ये सुनो, सुनो तो सही। विप्र साप के द्वारा मेरा जोधुवंश ध्वंस होने वाला है 1 हफ्ता का अंदर, और पानी पानी हो जाएगा, द्वारका नगरी के पानी का नीचे चले जाए। उद्धव तुमको हमारा संग में हम नहीं ले जाने वाले। ये बातें सुनकर तुम अगर मूर्छित हो जाओ उचित नहीं, मेरे तो बात सुनो, क्यों, क्या कारण है। उद्धव ध्यान से सुनो, मैं मई तकते मही तले, मैं छोड़ने का साथ साथ कली अपना प्रभाव जमाएगा। कली इतना बदमाश है, वेट कर रहा है, जस्ट कोली वेटिंग कि कब कृष्ण ये जगत छोड़ के जाए, बस वेट कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं। हम जाते जाते बस कली कब्जा करेगा दुनिया, कली कब्जा करेगा दुनिया और कुछ भी करना शुरू कर दिया। लोको अयम नष्ट मंगलहा, जगतवासी का मंगल कैसे होगा। उद्धव तुम बड़ा साधु हो ना, उद्धव तुम तो बड़ा साधु हो, साधु का अपना चिंता नहीं रहता, रहता है क्या? साधु का चिंता रहता है दूसरे के लिए, एक संतों का जिंदगी भगवान के लिए, एक संतों का जिंदगी भगवान के लिए मतलब दुनिया का जितना सारे जीवात्मा है भगवान से आए हुए हैं, सब लोगों का मंगल कुशल के लिए होता है। ये नहीं कि ये साधु हमारा साथ बेईमानी किया, हमारा साथ लड़ाई किया, ये गलत बात है, ये गलत बात, सरासर गलत बात है। एक साधु नहीं कर सकता, साधु का कोई शत्रु नहीं रहता, साधु का कोई शत्रु नहीं है दुनिया में। ये मंगल तो उब जाने वाला है, मैं ये जगह छोड़ के जब जाने का प्रयत्न करूं और जाने का साथ साथ
जगत का जो जितना मंगल है सारे सारे उब जाएगा, उबेगा, उब जाएगा। कपूर का माफी, कंफोर कपूर जैसा उब जाता है सारे मंगल उब। अमंगल को ठिकाएगा, अमंगल को रोकेगा कौन? ये अमंगल को कौन रोकेगा बोलो उद्धव? तुम साधु हो ना उद्धव? अगर मैं नहीं रहूं, मैं अगर चला भी गया, मेरा बहुत सारे सेवा है, काम है, तो कम से कम तो मेरा एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, मेरा तो एक प्रतिनिधि चाहिए, किसी को तो आचार्य बना के जाना चाहिए, नहीं तो मनमानी शुरू कर देगा ना दुनिया का आदमी। बोले कोई नहीं है, चलो अच्छा हुआ, आफत आफत गया, कोई आचार्य नहीं, वो करते रहो, खा तो खाओ, पियो, जियो, कुछ भी करो, आचार्य नहीं है मतलब। जैसे बेन राजा, अब बेन राजा ने इतना बदमाश है, लोगों का खटिया खड़ा करके रख दिया। अब ये बेन राजा है तब भी फिर डाकू बदमाश वो बड़े काबू में है। बोले ये बाबा बेन राजा है, बाप रे। अब जब बेन राजा मर गया तो दुनिया में हमला मच गया। क्यों? बेन राजा गया तो अवस्था फैलेगा, फैल गया अवस्था, चोर डाकू बदमाश सारे लूट लुटेरा मक्कार सब अपना अपना पोजीशन ले रहा है, क्या करे? उसके बाद मुनि ऋषियों ने सोचा, अरे हमने तो बेन राजा को मार डाला, बदमाश है, कोई बात माना नहीं, हन्नताम हन्नताम एशो, ये बेन को मारो, बदमाश है, ये किसी को मानता नहीं, भगवान को मानता नहीं, सब पूजा पाठ सारे लोपाट कर दिया, मारो इसको। ऋषि मुनियों ने गुस्से में आकर हन्नताम हन्नताम एशो, ये पाप बदमाश को मास नाश करो। अरे नाश जब हो गया, ऋषि मुनियों ने सोचा अरे तो नाश हो गया ठीक है, लेकिन और हालत और बिगड़ गया। क्यों? बेन रहते रहते डाकू बदमाश वो काबू में था, अब सोचा कोई नहीं है, लगाओ अभी अपना अपना पोजीशन ले रहे। ऋषि मुनियों ने सोचा ये तो बड़ा हंगामा मच गया, क्या किया जाए? ऋषि मुनियों ने सोचा कि चलो बेन का जो शरीर है हस्तो और उरु को मंथन करे, मंथन करके निशाक पैदा हुआ, नीचा खन्ना, एह कितना देखे, नाक नाक नहीं है, मुख नहीं है, क्या बताते हो, क्या चाहिए फरमाइए, ऐ बढ़िया। ऋषि मुनि बोले क्या पद आया, अरे हमने मंत्रों बोल के पैदा किया, कुछ देखो क्या आया, अरे निशाक, जा बैठ जा। उसके बाद जो उसके बाद बेन महाराज का दोनों हस्तों मंथन करना शुरू किया, एक हस्तों थे और छी लक्ष्मी का अवतार हैं अर्ची देवी, और एक हस्तों थे पृथ्वी महाराज पैदा भए। पृथ्वी महाराज का चरण का हाथ का जो सिम्टम है, लक्षण है, सारे देख के मुनि ऋषियों ने एकदम आनंद से गदगद हो गए। अरे आप अब होगा, अब हुआ मंगल, नारायण स्वयं आया पृथ्वी महाराज का रूप बनाकर, चलो आप मंगल हो जाएगा, कोई चिंता नहीं। मेरा कहने का मतलब एक उदाहरण दिया, एक दृष्टांत तो दिया, उदाहरण दिया समझाने के लिए और समझने के लिए। उद्धव तुम के प्रतिनिधि, मेरा प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव आचार्य बन के रहना है, नहीं तो मेरा जितना शिक्षा है आचरण है सारे उल्टा हो जाएगा, कोई समझेगा नहीं, उठपटांग शुरू हो जाएगा, अव्यवस्था फैलेगा चारों ओर, कौन संभालेगा? आज दुनिया का मंगल के लिए मैं आया हूँ तो मंगल का तो व्यवस्था करके जाना ही है। इस प्रसंग में एक बात कहना उचित समझता हूँ, ये परंपरा का व्यवस्था अगर नहीं रहते, मैं नाटकबाजी नहीं बोल रहा हूँ, मैं नाटकबाजी नहीं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ पक्का परंपरा का जो फ्लो है, ये परंपरा का जो फ्लो है, अगर आचार्यो एक परफेक्ट आचार्यो ना रहे, परफेक्ट आचार्यो मतलब जो प्रभुपाद भक्तिविनोद ठाकुर का आचरण पूरा के पूरा लिया, ये नहीं कि 80% लिया, 50% लिया, ऐसा नहीं, तब तो धोखाबाजी चलना शुरू कर दिया।
ये टीचिंग से ये इसको एकदम परंपरा का अनुसार ये जो टीचिंग्स है महाप्रभु का ये परंपरा का अनुसार सही ढंग से ये टीचिंग्स को आगे बढ़ा के ले जाने के लिए वी नीड परफेक्ट परंपरा। सेम क्वेश्चन किसी क्रिश्चियन ने क्रिश्चियन पादरी फादर ने पोपा जी को पूछा, बोला जीसस क्राइस्ट का टीचिंग्स तो हमारे पास है। पोपा जी ने बोला क्वाइट इम्पॉसिबल, क्योंकि यू हैव नो परंपरा सिस्टम। परंपरा का यही यूटिलिटी है दैट परंपरा परफेक्ट परंपरा कैन प्रिवेंट एनी इन्फिल्ट्रेशन। पर परफेक्ट परंपरा का ये कीमत है कि वही कभी कोई गलत बात को अपना संप्रदाय के अंदर में कोई उटपटांग सिद्धांतों को चलने नहीं देंगे। ए रुको, एकदम रुकेगा लायन का माफी नो, ये सिद्धांत तो नहीं है। चाहे तुम्हारा इच्छा है को उसको लड़ाई करो, लेकिन आचार्य जो तो सुनेगा नहीं, वो बोलेगा ये कभी कभी भी नहीं है सिद्धांत। पापा जी ने कभी नहीं बताया भक्तों को, अभी ये सब चल रहा है फिर भी दुनिया भर का आचार्य सिर्फ इसका चरण में लुटपुट हो जाता है, क्या करूं, माया का प्रभाव है। पापा कह रहे एक्सक्यूज मी यू कैन नॉट पुट गारंटी, एक्सक्यूज मी यू कैन नॉट पुट गारंटी, देयर इज नो गारंटी दैट द सेम टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट कमिंग अप टू यू। कितना मनमानी हुआ, कितना व्यभिचार हुआ, अब तक यहां तक भी हो गया, बाइबल में अप्रूव कर दिया मछली मांस खाना जीवों को काटना अप्रूव है, जीसस क्राइस्ट ने मांस खाया। हमने लायन का मापिक चिल्ला चिल्ला कर बोल दिया, किसका हिम्मत है प्रमाण करे, किसका हिम्मत है, किसका बाप का हिम्मत है प्रमाण करे, ये हो ही नहीं सकता। सारे उल्टा कर रहे हैं, जैसे हमारा भागवत जी का महाभारत का रामायण का सब काट के उल्टा सी घुसा रहा है। समझा मेरा बात, आई बात समझ में, रामायण का लाइन काट के महाभारत का भागवत का वो काट के नया चीज घुसा रहा है, ताकि आगे का जो खानदान है ये उसको उल्टा समझ के रह जाए और मेरे लिए फैसिलिटी बन जाए। एक राजा पैदा हुआ था, उसका नाम मैं भूल गया, मेरा लिखनी है, मैंने प्रकाश भी किया। वो राजा ने इतना खतरनाक है, जो क्रिश्चियन जो लोग मछली मांस नहीं खाता कुछ दारू नहीं पीता उसको काट के फेंक दे, और डर के मारे सब तो खाना शुरू कर दिया। बोले महाराज मरेंगे क्या, मरने तो अच्छा है दारू पियो। हम बोला देखो जो धार्मिक नेता है किसी का बाप का हिम्मत नहीं हो प्रमाण करे जो दारू पीते, क्योंकि दारू पीना ऐसे ही निषिद्ध है, दारू पीने से चित्त विभ्रम हो जाए। ही कैन नेवर बिकम स्पिरिचुअल लीडर हु इज ड्रिंकिंग वाइन। और मोहम्मद ने भी कभी दारू नहीं पी, दूध पिया, खेजूर पिया, रोटी पाया, लेकिन ये लोग मधु पाया, ये लोग बोल रहे खाया। अब कहां से आ गया सब विचार, हम लड़ाई करेंगे क्या, जिसका इच्छा मर चूल्हे में जाए, मैं क्या करूं। इतना जवाब देते देते मैं हैरान हो गया, फिर भी लोगों का चेतना का विकास नहीं हो रहा है, इतना डूब गया नरक में। तो उद्धव मैं अगर चले जाऊं तो जगत का मंगल का तो व्यवस्था करके जाना है, जगत का तो मंगल का व्यवस्था करके जाना है उद्धव, तो तुमको मेरा प्रतिनिधि बनकर रहना है, तुमको मेरा प्रतिनिधि, क्योंकि सुशिक्षा ये परंपरा अगर नहीं रहे सारे मनमानी करना शुरू कर दिए, जैसे हमारा आचार पूरा परंपरा का खानदान जो है टूटने वाला है, फिर भी रहेगा कैसे, ये अगर हमारा पास अगर ब्लैक बोर्ड अगर रहता या तो व्हाइट बोर्ड रहता, मैं स्केचिंग करके दिखा देता ये कैसे परंपरा थ्रू ऑथेंटिक चैनल कैन सर्वाइव। मेरा पास अगर ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड रहता मैं अभी स्केचिंग करके वो आपको दिखा देता ये कैसे परंपरा मरने वाला नहीं है,
Parampara jiyega, har halat mein jiyega, but you will have to detect. Ullu ka patta banke nahi rehna hai. You will have to detect what is the actual parampara line. अब इस समझ में गलती कर दो तो गया जिंदगी, जीवन जिंदगी बेकार हो जाएगा. मेरा प्रतिनिधि बनकर उद्धव तुमको रहना है. मेरा जितना सारे शिक्षा है तुम्हारा जीवन जिंदगी में जो अप्लाइड फॉर्म में, अप्लाइड फॉर्म में तो है ही है, उद्धव तो अप्लाइड फॉर्म में है ही है, फिर भी कृष्ण कह रहे हैं मैं जाने का पहले कुछ तुमको कुछ शिक्षा तरंग चराना चाहता हूं. आप अगर ये भगवत तत्व विज्ञान को जो मैं जगत छोड़ने का पहले, ये जगत छोड़ने का पहले जो बोलने के लिए मैं तैयारी में हूं, मैं सोचता हूं उद्धव यू आर द फिटेस्ट कैंडिडेट, तुम ही योग्य पात्र हो. मैंने तो सोचते रह गया किसका हाथों में, किसका हथेली में, किसका हृदय में, कौन पात्र में, कौन आधार में, कौन आधार में मैं ये तत्व विज्ञान को छोड़ के जाऊं. सोचते सोचते अरे तुरंत आ गया, मेरा उद्धव है. अरे मेरा उद्धव तो है जो बचपन से मेरा पीछे है, जो बचपन से मेरे को छोड़ के कुछ जाना नहीं चाहता. बचपन में जो खेला करता था उद्धव, कृष्ण लीला को, कृष्ण को पूजन करते थे. मैया बोले ए बेटा रोटी खा के जा, जल पानी करके. नहीं 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 हम नहीं जाएंगे. क्यों? ये खाने का इच्छा ही नहीं. ये बच्चा ऐसा बच्चा है बचपन से ही कृष्ण का ध्यान ज्ञान अर्चन सारे करते करते उद्धव का नाम का क्या यूटिलिटी है, क्या माने हैं काल बताया था. उद्धव मीन अ बिग फेस्टिवल, उद्धव मीन ए बिग महोत्सव है. उद्धव ये शब्दों का मानी ये है, उद्धव शब्दों का मानी एक बड़ा भंडारा, उत्सव, हरिकथा का भंडारा, या तो कुछ भी भंडारा सोचो, अप्रागी जगत का भंडारा. उद्धव मतलब उद्धव आ गया, मतलब भंडारा हो गया, जिसको देख के ही आनंद आता है, जिसको देखने का बाद, जिसको सुनने का बाद, जिसका सुनने का बाद आनंद से हृदय भरपूर हो जाता, इसका नाम है उद्धव. उस वक्त उद्धव तेरे को मैं प्रतिनिधि बना के जाऊं. मैंने सोचते रह गया कि किस पात्रों में, किस आधार में मैं रख. अरे तुरंत याद हो गया, अरे मेरा तो उद्धव है, मैंने ये ऐलान कर दिया था, उद्धव और मेरे में कोई अंतर नहीं है. अब कैसे भूल गया मैं. और महाराज उद्धव जी का क्या महिमा है देखो. कृष्ण का बारे में सोचते सोचते, खेलते खेलते, सोते सोते बैठ, हर वक्त कृष्ण 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 नॉन स्टॉप. ये कृष्ण का बारे में सोचते सोचते, कृष्ण का अर्चन करते करते, कृष्ण का बारे में खेलकूद करते करते, स्वयं कृष्ण स्वरूप साजुज्य प्राप्ति. कृष्ण का जो स्वरूप प्राप्त हुआ, साजुज्य तो घृणित है, साजुज्य नहीं है, स्वरूप मतलब भगवान श्री कृष्ण का शरीर का वरण, भगवान श्री कृष्ण का चरण का जैसा जैसा महिमा, हाथ पैर नाभ त्वचा शरीर का कालर, चलना बोलना उठना देखना, सारे मानो की कृष्ण ही है. सारे मानो की ना मानो, मानो नहीं, एग्जैक्टली कृष्ण. किसको छोड़कर कुछ चीज समझ में नहीं आएगा, ये तो कृष्ण ही है हमारा. कृष्ण ही तो है, लेकिन एक अंतर है. ध्यान से देखो, उद्धव जी का गले में कौस्तुभ मणि नहीं है, उद्धव जी का गले में शिवस्व चिन्ह नहीं है, ये भगवान का विशेष है, बाकी सारे एकाकार है. जो उद्धव वो कृष्ण है, जो कृष्ण वो उद्धव है. मो महाराज विचार करके देख लो, ऐसा कभी नहीं सुना गया, कोई शास्त्र में ऐसा कोई कभी नहीं सुना गया जो जीते जी किसी ने
भगवान का साचुर्य प्राप्त हुए। है कीड़े मकोड़े के बारे में तो है, ये एक तेली पोका एक 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 कांच पोका को पकड़ के अंदर में घस घुस दे, वो चिंता करते करते उसका सारूप सारूप पाप होता है। ये दुनिया में उदाहरण है, लेकिन ऐसा सुना नहीं गया कभी जे जीते जी इसी शरीर में किसी ने भगवान का सारूप प्राप्त कर लिया। ये पहली बार के लिए सुना। उद्धव जी और भगवान में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। उद्धव मेरा बात मान लो, मैं जो तुमको प्रतिनिधि बनाना चाहता हूं इसमें घबराहट का क्या बात है? घबराते क्यों? नहीं मेरा उतना शिक्षा थोड़ी है, मेरा योग्यता नहीं। अरे इसका बारे में क्यों सोचते हो? योग्यता बिचारे किछु नहीं पाए, तुम्हारो करुणा सारो कितना नहीं करते हो। अगर क्वालिटी का विचार करने जाओ तो मैं दिखा का भी काबिल नहीं हूं गुरु जी का हमने। अगर उस इनके कोरोना का ऊपर भरोसा करे तो मेरा जैसे लाखों आदमी दीक्षा ले सकता है, ये संसार समुद्र को पार करके जा सकता है। इतना हिम्मत हमारा अंदर में अभी आया। हाँ गुरु जी है तो सब कुछ है, गुरु जी का चरण है तो अब दुनिया को किसी को हम परवाह नहीं करते, कुछ भी करे दुनिया, गुरु जी है तो सब कुछ है, और क्या चाहिए। मेरा प्रतिनिधि तुम नहीं हो, तुम सोचते हो। हमारा जो वाणी है, हमारा जो शिक्षा है, यही मेरा प्रतिनिधि, सिर्फ तुम्हारा माध्यम जाएगा। उद्धव तुम सोचते हो कि मैं प्रतिनिधि का काम नहीं कर सकता, ठीक है चलो, लेकिन इतना तो कर लो कि जो शिक्षा मैं दूं, जो वाणी है, जो शिक्षा है, मैं आचरण है, वो तुम्हारा अंदर में भर दूं। जैसे राय महाशय जी ने बताया ना, राय रामानंद संवाद में आता है, चर्चा किया था। राय महाशय ने महाप्रभु को बताया, प्रभु मैं बोलने वाला कौन हूं? कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी लिख दिया, राय मुखे वक्ता स्वयं गौर राय। मैंने ये उदाहरण क्यों उठाया? इसलिए उठाया कि आपको विश्वास हो जाए, नहीं तो बोले अरे महाराज ये होता है कभी? अरे होता तो है ना, इसीलिए तो बताया, होता है, हर हालत में होता है। देखो राय रामानंद संवाद में राय महाशय महाप्रभु सामने बोल दिया, जिसका बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बता दिया, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बता दिया, राय मुखे वक्ता स्वयं गौर राय। आप देख रहे हो कि राय महाशय प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस सच्चाई को अनुभव किया। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने ये बात को, ये विचार को अनुभव किया, अनुभव करके बताए, राय मुखे वक्ता स्वयं गौर राय। आप देख रहे हो राय रामानंद प्रवचन दे रहा है, क्योंकि असली बात तो ये है कि राय महाशय प्रवचन नहीं दे रहा है, राय महाशय के हृदय में श्री गौरांग देव बैठ के प्रवचन करवा रहा है, जिसका बारे में शिला सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर ने कीर्तन में लिख दिया ना, कीर्तन में, जिसका बारे में हमारा भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी मेरा गुरु जी शिक्षा गुरु जी ये अक्सर कहते थे, ये भक्तिमय ठाकुर का कीर्तन है फिर भी वो प्रवचन में कहते थे, मेरा सब याद है, कब क्या बोला, कैसा आचरण किया, ये याद रखना उचित है। इसी को बोलता है आचार्य का सम्मान है, भूल जाना आचार्य का सम्मान नहीं है। पूरी कचौरी खिलाना, रसगुल्ला खिलानी आचार्य का सेवा नहीं है, याद रखना ये आचार्य का असली सेवा है। लेकिन हम उल्टा समझ जाए, ये कीर्तन में भक्तिवन ठाकुर जी ने लिख दिया, अतिशील अतिथ महाराज जी ने और ये इस बात को कीर्तन करते थे, पियाया प्रेम मत तो करी मोरे सुनो निजो गुणगान। शिल महाराज जी कहते थे प्रवचन थोड़ी मैं कर रहा हूं,
आप जगत का आधार हो, आधारभूता सकला जगत्सु, ये जो देवी को बोल रहे हैं ना, असली आधार तो भगवान है, भगवान का शक्ति, ये तो है ही है, देवी भी आधार है, भगवान ने बना दिया। आधार भूता सकला जगत्सु, ऐसा चंडी पाठ में है। सारा जगत को है नचा रहा है, भूतों का माफिक नचा रहा है, क्या करे। महाराज जी कीर्तन में कहते थे, कित भक्तिमय ठाकुर का कीर्तन, श्रील भक्तिमय ठाकुर का कीर्तन को उठाकर कहते थे, पियाई या प्रेम मत कोरी मोरे, सुनो निजो गुण गान, प्रभु आप आपका ही महिमा का श्रवण करो, ये ठाकुर जी आप आपका ही महिमा का श्रवण करो, मेरा क्या आता जाता है, आपका महिमा आप कीर्तन करो, बस मैं इंस्ट्रूमेंट बन के रह जाऊं, मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, बजाने वाला आप हो, आप बजाओ, मेरा हृदय तंत्री, मेरा हृदय तंत्री जैसे गिटार में होता है ना, गिटार में तार रहता है डोंग डांग ऐसा होता है ना गिटार में, तो ये हृदय का तंत्री जो है आप बजाते रहो, हाँ मैं कीर्तन करते रहूं, लेकिन मेरा अभिमान नहीं है कि मैं कीर्तन कर रहा हूं, ठाकुर जी कीर्तन तो आप कर रहे हो। पी आई या प्रेम मत करी मोरे, सुनो निजो गुणगान, इतना प्रेम पिलाओ, इतना प्रेम का मदिरा पुलाओ कि मैं पागल बन जाऊं और नाचना गाना कीर्तन करना मेरा स्वभाव में बदल जाएगा। यही तो बात है ना, जो मर्जी करो, आप करने वाले हो, अनंत ब्रह्मांड का मालिक हो, कुछ भी कर सकते हो, मैं क्या कहूं। मैं कृष्ण कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, उद्धव तू मेरा प्रतिनिधि नहीं बनना चाहता है, ये सोच रहा है कि तू योग्य नहीं है, ठीक है चल, लेकिन मेरा जो प्रवचन है, मेरा जो आचरण है, इसको तो पकड़ के रखो हृदय में, इतना ही कर लो काफी, इतने में हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अरे ठाकुर जी आपने मेरे को आदेश किया ये एक प्रवचन करो, अरे प्रवचन मैं कैसे करूं, मैं भूखा हूं। आहा तुम गलत समझा, आपने बोला आचरण करके पर्यटन पर्यटन करो मतलब प्रचार करो, मैं प्रचार का काबिल नहीं हूं ना, कैसे करूं। उद्धव प्रचार करने का अगर क्षमता नहीं है ऐसा सोचते हो तो डरते क्यों, जब मेरा ऊपर पूरा भरोसा है, मेरा कराने वाले मैं हूं, तो तुम डरते क्यों हैं। और एक बात पक्का है उद्धव, देखो तुम जहां भी जाओगे, तुम्हारा जो प्रभाव है, तुम्हारा आचरण है, तुम्हारा जो दो शब्दों, तुम्हारा जो दो शब्दों जबान से निकालने वाला है निकालेगा, इसी का असर पड़ेगा तमाम दुनिया का ऊपर। अच्छा हाँ उद्धव ऐसा सोच लो कि चंदन वृक्ष है, एक चंदन का पेड़ है, क्या देखा है चंदन का जो पेड़ है इसको चलते फिरते जाते देखा है कभी। अरे एक पेड़ जो है थोड़ी चलता है, हाँ यही तो मैं कह रहा हूं, एक चंदन का वृक्ष है वो तो चलता नहीं किसी जगह, लेकिन सब कोई को मालूम हो जाता कि चंदन का जो बांस है सौगंध है ये सारे इधर उधर फैलता है, आदमी को पता है हाँ इतना सुंदर चंदन का बांस आ रहा है, चंदन वृक्ष है। मैं प्रचार करने वाले ऐसा अभिमान तो तुम्हारा नहीं है, फिर भी सोचो मेरा, मैं जो शिक्षा देने जा रहा हूं, मैं जो भगवत तत्व विज्ञान का कठोर गोपन शिक्षा, इतना इतना गहरा विचार तुम्हारा अंदर में मैं रखना चाहता हूं। आप अगर तुम अगर सस्ते हो कि ईश्वर परम किस्व सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद मैं ही करने वाले हूं, करता अहम इति मन्नते, ये तो तुम्हारा भाव नहीं है, तुमने कभी नहीं सोचा तुम करता हो, आज कैसे ऐसा बता दो। आचार्यों का काम, मेरा जो शिक्षा है आचरण है मैं तुम्हारा हृदय में धर दूं और तुमको जहां भी जाना है वहां जाओगे, जैसे चंदन का एक पेड़ जहां भी हो वहां से चारों ओर को खुशबू फैल जाता है। तुम सोचते हो कि तुम आचार्य नहीं हो, फिर भी तुम्हारा
आचार्य शिव इतना बड़ा होगा, तुम्हारा आचार्य शिव इतना अनोखा होगा, कोई बराबरी कर नहीं कर सकता। लेकिन गोपियों का बारे में नहीं बोल रहा हूं, ध्यान देना। एक गोपी गीता है ना, और बोलेगा महाराज ने बोला था, नहीं बोला। सबसे बड़ा आचार्य जो गोपी लोग हैं, सबसे बड़ा आचार्य जो है राधा रानी है, ये तो है ही है। लेकिन ये जगत में उद्धव को छोड़ के जाने का मकसद मतलब क्या है? भले ये उद्धव तुम ये जो धरती है इसको पर्यटन करते रहना, जब तुम्हारा मन हमारा चरण में बिल्कुल समा के रहेगा, तुम्हारा तन मन धन जो कुछ भी है जब हमारा चरण में एकदम समा जाए, समा के रहता है, तुम समदर्शी हो जाओगे, किसी को घिना नहीं करो। अरे ये नीचा खानदान का है, इसको नहीं देना है, ऐसा नहीं करना। जैसे कुहक चंडाल को राम जी ने सीने पे लगाया, दोस्ती का सम्मान दिया, ऐसा मापिक भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कितना सम्मान दिया। देखो, एक तो दोस्त बोला, प्यारा प्यारा बोला, क्या कुछ नहीं बोला, आचार्य जो बोला, अरे सब भगवान कह रहे। अब इतना ही उपदेश है उद्धव, इतना ही मान लेना। मैया विश्व मन सम्मान समधिक विचर सकाम, तुमको ये करना है समद्रिक, सबको एक समान दृष्टि से देखना। जहां भी देखोगे मेरा दर्शन हो जाएगा, आज जिसको भी देखोगे इसका अंदर में मेरा दर्शन हो जाए। आई बात समझ में? उद्धव जहां तुम नजर डालोगे, उद्धव तुम जहां देखोगे, जो कुछ भी देखोगे, जो कुछ भी देखोगे, सब वस्तु का अंदर मेरे को दर्शन, मेरा दर्शन हो जाएगा। और जिस किसी का ओर तुम दृष्टि डालोगे, मेरे को इसके अंदर में सब वस्तु को, मेरे को सब वस्तु में मेरे को दर्शन हो जाए, और मेरे में तमाम दुनिया को दर्शन हो जाएगा। ये तुम समधिक समदृष्टि रखकर ये पृथ्वी को विचरण करना, बस इतना ही करना है, इतना ही काफी है। तुम इतना ही करो, काफी है। देखो तुम्हारा आचरण है, तुम्हारा भक्ति जो है, आचरण क्या चीज है, आचरण क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आचरण? आचरण का मतलब है भक्ति, भगवान को कैसे प्यार करता है, कैसे सेवा करता है, यही तो आचरण है। आचरण मतलब 10 बार नहा लूंगा मैं, पवित्र हो जाऊं, ऐसा नहीं। आचरण का मतलब हरि भक्ति, यही आचरण है। आई बात समझ में? तुम ऐसा करना उद्धव, बस इतना ही करना, काफी है। देखो चारों ओर फैल जाएगा भक्ति, तुमको एक बड़ा आचार्य बना के जा रहा हूं मैं, तुमको कोई दुख का बात नहीं है, तुम मेरा मय्यावेश मनः सम्यक समद्रिक विचरस्य गाम, इतना ही करना है। मेरा चरण में अपना तन मन धन को समाक एकदम मिटा दो, एक सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, जो तुम मैं हूं। मेरा चरण में समा के अपना मन को समा के एकदम मिटा दो, और समुद्रिक चारों ओर समान दृष्टि रखना, सब कोई को ऊपर, सब चीजों में, सब प्राणियों में, ये सोचना कि मेरा जो ब्रह्म वस्तु छोड़कर दुनिया में कोई चीज है ही नहीं। उद्धव ऐसा सोचना कि दुनिया में ब्रह्म वस्तु छोड़कर, ब्रह्म सब ब्रह्म है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, चारों ओर ब्रह्म है, मैं छोड़कर कोई वस्तु है ही नहीं। उद्धव दुनिया में मैं छोड़कर कोई वस्तु है ही नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं है। ये अद्वैत ज्ञान तत्व मैं हूं, बदंती तत्त्व ज्ञान, ये जो श्लोक है, ये जो तत्व विज्ञान है, ये है सबसे बड़ा अद्वैय ज्ञान तत्व। जद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते वदन्ति तत्तत्त्वेदम जद ज्ञानम अद्वयम। ये अद्वैय ज्ञान है, तुमको डाइवर्सिटी दिखाई पड़ता है, नानात्व डाइवर्सिटी तुमको दिखाई पड़ रहा है,
लेकिन डाइवर्सिटी का अंदर में यूनिटी देखना है, और यूनिटी का अंदर में डाइवर्सिटी, यही पक्का दर्शन है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी इन यूनिटी, इसको जब तुम देखोगे तब तुम्हारा आचार्य शिव जो है आचार्यत्व तो है अनोखा बन जाएगा। और जड़ जगत का आदमी जो डाइवर्सिटी देख रहा है, नानात्व तो दर्शन कर रहा है, ये माया का दर्शन है। उद्धव तुम्हारा दर्शन माया का दर्शन नहीं है। दुनिया वालों ने, ये दुनिया वालों ने सारे तू तू मैं करके जिंदगी गंवा दिया। ये दुनिया वालों ने सारे तू तू मैं करके जिंदगी गंवा दिया, खत्म कर दिया। ऐसा मत करो। ये लोगों का नानत्व दर्शन डाइवर्सिटी दिख रहा है, और भोगने का समान है। जो भी देखे, अरे ये तो भोगने का समान है, ये मिल जाता तो अच्छा होता। लेकिन तुम्हारा दर्शन तो ऐसा नहीं। मैंने बोला युक्त वैराग्य आश्रय करो, और उसका अंदर में मेरा अंदर में अनंत ब्रह्मांड का दर्शन करो, और अनंत ब्रह्मांड में कोने कोने में मेरा दर्शन करो। यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी इन यूनिटी, यही बात को भगवान श्री कृष्ण उद्धव को उपदेश दिया। उद्धव इतना ही करना है, इतना करने से हो जाएगा, कमाल का फल मिल जाएगा, कमाल का रिजल्ट देखना तू। क्योंकि आचरण सबसे बड़ा चीज है। हजारों लाखों प्रवचन, हजारों लाखों बेकार का प्रवचन, हजारों लाखों बेकार का प्रवचन और किसी का आचरण, दोनों का बराबरी नहीं हो सकता। असली आचरण का इतना प्रभाव है कि लाखों प्रवचन से बढ़कर है। आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, सब जानते ही नहीं, और दिन देख में सुना ही नहीं। मैं जम्मू में हरिकथा बोलने गया, वहां एक प्रोफेसर है, मेरे को प्यार करता है, मिश्र जी, बोला महाराज जिंदगी में सुना ही नहीं, कभी सुना नहीं जो सुन रहा है। और क्यों सुना नहीं? ऐसा सुनने का क्यों प्रयत्न नहीं किया? जिंदगी में सुना ही नहीं, ऐसा बोल रहा है। सब नया सुन रहे हैं, सब गप सुना, जिंदगी भर में गप सुना कब? भगवान कह रहे हैं कि उद्धव मैया विश्वमन सम्मग समुद्रिक विचरस्व काम, तुम समुद्रिक होकर निर्मत्सर होकर पूरा विचरण करो। मैं जानता हूं मैं जाने का बाद ये खिति मंडल, ये धरती रहने का काबिल नहीं रहे। नौ वस्तव्यम तयैव एह मया त्यक्ते मही तले जनो अधर्म रुचिभिर अभद्र रुचिभिर अभद्र हैं भविष्य कलौ युगे। क्या बताया? भले न वस्तव्यम तयैव एह मया त्यक्ते मही तले, क्यों? जनो जनगण जो है जनता, ये अधर्म अधर्म अरुचिभीर रभद्र भविष्य कलौ युगे, अभद्र बन जाएगा, दुष्ट बन जाएगा, लक्कर बन जाएगा, 402 बन जाएगा। ऐसा ऐसा है। और लोगों को बचाने के लिए जो मैंने बोला है ये तुमको मानना है, ये तुमको मानना है उद्धव। मेरा प्रतिनिधि बन के जगत में रहो, तुम हमारा झांकी को दर्शन करोगे हर वक्त, परमात्मा में मेरा को दर्शन करे। आत्मनि आत्मनम मिक्षस्यो, क्या बताया? आत्मन्या आत्मनि बजा आत्मन्या आत्मनम मिक्षस्यो, हृदय में मेरे को दर्शन करते रहो। ऐसे ही उद्धव जी महाराज ज्ञानीचर भक्त है, इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि उद्धव
तुमको रोना धोना छोड़ना है, तुमको रोना धोना छोड़ना है, तुमको देखना है अंतर में मेरे को दर्शन होगा झांकी मेरा, और मेरा ये एकांत प्रार्थना है, मेरा ये उपदेश है, आदेश है। तुम्हारा उपस्थिति इट्सेल्फ, योर प्रेजेंस कैन गिव अरेंज मंगल फॉर ऑल। तुम्हारा उपस्थिति कुछ बोलने का धन। भक्तिवन ठाकुर कहते थे कोई पक्का साधु का बोलने का भी दरकार नहीं, बस उसका सामने पहुंच जाओ, उसका आचरण देखो, हो जाएगा। भक्तिवन ठाकुर ने लिखा दिखाया, एक पक्का आचरणशील साधु का प्रभाव इतना है चाहे वो प्रवचन ना दे कुछ भी होता नहीं, परिवर्तन हो जाएगा। सिर्फ इतना ही है, अपराध नहीं होनी चाहिए, अपराध होने से बस होगा नहीं, अपराध होने से कुछ होगा नहीं, बस इतना ही है। आज यहां तक चर्चा का विश्राम दे, क्योंकि नहीं तो समय हो गया, क्या करूं, उपाय इच्छा नहीं हो रहा है छोड़ने का, छोड़ना पड़ेगा। नमो धर्माय महते, नमो कृष्णाय वेधसे, ब्रह्मणेभ्यो नमस्कृतो धर्मानुभक्षे सनातन। कितना सुंदर लिंक है देखो, नमो धर्माय महते, नमः कृष्णाय वेदसे, ब्रह्मणेभ्यो नमस्कृतो धर्मानुभक्षे सनातन। ये सनातन धर्मों भागवत धर्म के बारे में बताने जा रहा, इसलिए ये श्लोक को मैंने चुन लिया, इतना ये आज बड़ा फिटिंग्स है। नमो धर्माय महते, नमः कृष्णाय वेधसे, ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृतो धर्मानुवक्षे सनातनम्। वांछा कल्पद्रुवस्य के पास इंदुभवच, पतितानं पावनं भवेष्णभ्यो नमो नमः।